अहमदाबाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को घोषणा पत्र में देशद्रोह की धारा हटाने का कहना महंगा पड़ गया। हिंदू जागरण मंच के कानपुर प्रांत के उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार सक्सेना ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ CJM न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया है, जिसमें कहा गया कि उन्होंने जो घोषणा पत्र पेश किया है उसमें 124 धारा को हटाने की घोषणा की है वह देश के हित में नहीं है, क्योंकि ये धारा हटवाने का मतलब कि देश को बांटना है। समाज में एक दूसरे को प्रति नफरत की भावना फैलाने का षड्यंत्र है। इस कानून को हटाने से देश को बहुत ही खतरा है। उसकी जाँच कराकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। आप देख सकते हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए मुकेश पाथम की रिपोर्ट। गांधी जी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने घोषणा की है कि उनकी सरकार अगर आती है तो IPC की धारा, जो राजद्रोह की धारा है 124 ए, उसको खत्म कर देंगे। तो 124 ए जो राजद्रोह की धारा है उसे खत्म करने की बात करना अपने आप में राजद्रोह ही है, जिसके खिलाफ हम लोगों ने यहाँ पर 156(3) CRPC के तहत CJM कोर्ट में एप्लीकेशन दी है FIR दर्ज कराने के लिए। हमारा हमने उसमें कथन ये किया है कि राजद्रोह देश के साथ देश के खिलाफ कोई ऐसा कार्य करना है जिससे देश में अशांति, देश को राष्ट्र के लिए खतरा पैदा हो या लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो, तो वो धारा को खत्म करने की बात करना अपने आप में एक राजद्रोह है। तो हमने प्रेयर उसमें ये किया है CJM कोर्ट में, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। उन्होंने राजद्रोह का अपराध कारित किया है, धारा 124 के तहत उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, उसमें कार्रवाई की जाए। अगर उनके खिलाफ आज एक्शन नहीं लिया गया तो कल को कोई दूसरा राहुल गांधी खड़ा होगा, वो अपने मैनिफेस्टो में लिखेगा कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो आज तो हिंदुस्तान से पंजाब और कश्मीर और हिमाचल हम पाकिस्तान को दे देंगे। इस तरीके मतलब देशद्रोही मैनिफेस्टो अपने जारी करेंगे, लोग देशद्रोही घोषणाएं करेंगे जो राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करेंगी। आज आप ये कह रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, यानी कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद हमारे हिंदुस्तान के अंदर बोलिए, हम आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, आप हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाइए, हम आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। आप लोगों को उकसा रहे हैं, आप लोगों के अंदर एक देश के प्रति घृणा की भावना पैदा करने के लिए ये आपने काम किया, जो बहुत गंभीर अपराध है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमने किया है कि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये कहा है कि हम 24 ए धारा जो 124 ए है उसको हटा देंगे, जो राजद्रोह की उसमें आती है। और जब अभी ये धारा लगी है तब तक तो रोज पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते हैं, हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहा जाता है, भारत माता को डायन कहा जाता है। अगर ये धारा हट जाएगी तो फिर इस देश का क्या होगा? हमारा पड़ोसी खड़ा होएगा और पाकिस्तान का झंडा फहराएगा और हिंदुस्तान का झंडा जमीन पर रगड़ेगा। इसके खिलाफ हमने ये मुकदमा दायर किया। हमारे परम मिश्रा जो हैं एडवोकेट जी, हमारे वकील साहब हैं, और दीपक द्विवेदी जी। आपका क्या नाम है जी? प्रदीप सक्सेना, और मैं विभाग अध्यक्ष हूँ हिंदू जागरण मंच का, कानपुर, कन्नौज और फर्रुखाबाद, ये हमारे कार्य क्षेत्र है। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।